तो ये सब आज के ऑर्डर है, बहुत ज़्यादा ऑर्डर थे, सो ये पैक हो गए, लेकिन कार्टून पैक में पैक करके डिस्पैच करना बाकी है। ये सब ऑल ओवर इंडिया में सभी अलग अलग जगह से है, मैंने वैसे ही इसको सबको मिक्स करके ऐसे रख दिया है। अगर आपको भी कुछ चाहिए तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये अपना 100 ml महोगनी जो फुल टाइप का आता है ना परफ्यूम ऑयल वो है, फिर ये भी अपना महोगनी है, फिर यहाँ पे अल्कोहल है 1 लीटर, फिर यहाँ पे ये भी अल्कोहल ही है, दोनों इथाइल अल्कोहल ही है, एक पे अल्कोहल लिख दिया है, एक पे इथेनॉल लिख दिया है, फिर यहाँ पे ये सब परफ्यूम ऑयल है जो परफ्यूम कंपाउंड भी बोलते हैं उसको, परफ्यूम ऑयल भी बोलते हैं, फ्रेगरेंस ऑयल भी बोलते हैं। परफ्यूम के अंदर जो अल्कोहल यूज होता है वो इथाइल अल्कोहल यूज होता है, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैं इस वीडियो में भी क्लेरिफाई कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे टोनालाइड है, ये फिक्सेटिव है, ये 500 ml, ये अपना 100 ml, इसका काम होता है परफ्यूम को अपना मस्की और पाउडरी टोन देना और उसको लॉन्ग लास्टिंग करना और साथ ही में स्प्रेडिंग करना। उसके बाद यहाँ पे सब गैलेक्सोलाइड है, 100 ml 100 ml 100 ml, और यहाँ पे 500 500 ml के दो पैक है। अभी गैलेक्सोलाइड का काम होता है परफ्यूम को लॉन्ग लास्टिंग करना और परफ्यूम को वो कपड़ों पे पकड़ के रखता है और इसको मस्की टोन देता है। ये अपना टोनोलाइट के मुकाबले थोड़ा लाइट होता है गैलेक्सोलाइड मस्की टोन देने में, लेकिन दोनों एक तरह के फिक्सेटिव ही है। उसके बाद यहाँ पे एम्ब्रोक्सन है जो बहुत ही एक्सपेंसिव और प्रीमियम फिक्सेटिव है, इस तरह का आपको आएगा। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई एम्ब्रोक्सन कैसा दिखता है, इतना महंगा वाला फिक्सेटिव है तो वो भी बताओ। तो भाई देखो क्रिस्टल और पाउडर फॉर्म में होता है, ये 25 ml ही है। फिर यहाँ पे ISOE सुपर है, ये 500 ml है, दोनों 100 100 ml है। ये अपना परफ्यूम को अंबरी और वूडी टोन देने में के लिए यूज होता है, और एक भी एक तरह का फिक्सेटिव ही है। उसके बाद यहाँ पे DPG है, DPG एक तरह का सॉल्वेंट है जैसे अल्कोहल होता है ना उसी तरह, लेकिन अपना DPG थोड़ा गाढ़ा होता है, तो ये आप परफ्यूम के अंदर उसकी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए और उसको ऑयलनेस देने के लिए यूज़ कर सकते हो। और इसका साथ ही में दूसरा काम ये होता है कि आपके परफ्यूम के अंदर जितने भी केमिकल है उसको अच्छी तरह मिक्स करने में भी ये मदद करता है, और साथ ही में जो रीड डिफ्यूजर वगैरह होता है ना उसके अंदर भी DPG यूज होता है एज ए सॉल्वेंट। ये दोनों 1 1 लीटर के पैक है और ये 500 500 ml के पैक है। फिर यहाँ पे एक्वा क्लियर, अभी एक्वा क्लियर जो यूज होता है परफ्यूम के अंदर वो इसीलिए कि जो आपका परफ्यूम ऑयल है उसको वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। अगर आपको वाटर बेस बनाना है तो ऑयल के अंदर आपका पानी मिक्स नहीं होगा, तो इसके अंदर आप जितनी ऑयल है उसका डबल मात्रा में एक्वा क्लियर डाल दोगे तो वो पानी इसके अंदर मिक्स हो जाएगा। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई एक्वा और एक्वा क्लियर में क्या फ़र्क है, तो भाई एक्वा मतलब पानी यानी कि डिस्टिल वाटर, और एक्वा क्लियर मतलब एक तरह का केमिकल है जैसे Alphox 200 आता है ना उस तरह का एक केमिकल है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक्वा और एक्वा क्लियर दोनों अलग है, एक्वा क्लियर मतलब केमिकल जो वाटर सोल्यूबल में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है, और एक्वा मतलब पानी यानी कि डिस्टिल वाटर। तो ये सब आज के ऑर्डर थे, एक्वा क्लियर, DPG, ISOE सुपर, एम्ब्रोक्सन, गैलेक्सोलाइड, टोनालाइड, अल्कोहल, और अपना ये परफ्यूम ऑयल है सब 25 ml के और ये 100 100 ml के पैक है। अगर आपको भी कुछ चाहिए तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपको ऑल ओवर इंडिया में होम डिलीवरी हो जाएगा।